अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम सार और मनोरथ जो कोई लाए सोई युग जीवन फल पाए। नजर क्यों हो रहा है जो करते हो आप लोग इतना भ्रष्टाचार, आज हमें आके बताएंगे ये लोग। क्या सरकार द्वारा आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है? क्या भ्रष्टाचार से आपका घर चलता है? तुम रक्षक आपन तेज सवारो आपे तीनों लोगों का निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाचे लोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। प्राणियों में विश्व का गो माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की आज के आनंद की नमक पार्वती पते हनुमान महादेव वंदे वंदे। आज निबंधन राम दुलाए जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुपर पर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिले सब पीरा जो सुमिरे हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस जीव लोक पुजागर राम दूता पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी तुम कामन बस सूक्ष्म रूप धरि जय दिखावा विकट यहाँ की बारिश के पूर्व नाले को साफ सफाई कराई जाए एवं बारिश के पानी की निकाई सुनिश्चित की जाए। जावे जो कि शहर में खुली रूप से नालियों एवं डैमेज के चैम्बर नियमित रूप से कीटनाशक का छिड़काव किया जाए। यह आगामी दिनों में आने वाले प्रमुख त्योहारों पर जिसको देखते हुए शहर की साफ सफाई की जाए। त्योहार आ रहे हैं बड़े शहर में, यह पूरे शहर में और खास करके कॉलोनी वाले आयुक्त महोदय से बात करिए कि यहाँ पर 23 पार्षद हैं और उन्होंने क्या लेटर दिया हुआ है कि पार्षद प्रतिनिधि महिला पार्षद प्रतिनिधि यहाँ पे प्रतिनिधि नेतृत्व करेगा और अगर करता है तो क्या वो सेकेंड रेंज के अधिकारी से हाथापाई करेगा और अगर की है तो उस पर 353 की कार्रवाई की जाए प्रतिनिधि पे और साथ ही ज्वलंत मुद्दे जो शहर के हैं यहाँ पे PC बंद की जाए
और दूसरी बात, यहाँ पे जितनी अव्यवस्थता है उनको लेके हमने आयुक्त महोदय से निवेदन किया है। साथ ही ये बताया गया है उनको कि जितने भी मुद्दे हैं उनको त्वरित बंद किया जाए और त्वरित ही उस पर एक्शन लिया जाए। आपने बार बार आयुक्त महोदय से बोला कि पार्षद प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, ऐसी क्यों स्थिति बन रही नगर में? ऐसी स्थिति या तो अधिकारी भ्रष्टाचार ही है, या तो पार्षद जो पार्षद है वो यहाँ पार्षद होने के बाद भी ठेकेदारी करता है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, या तो कोई अव्यवस्थता को कारण से ये जो हो रहा है अधिकारियों और पार्षद प्रतिनिधि। क्या आश्वासन मिला आयुक्त महोदय सर? आयुक्त महोदय ने क्या है कि पीसी बंद की जाएगी, वो पार्षद प्रतिनिधि से माफी मंगवाई जाएगी। आपका जी तू रघुवंशी राष्ट्रीय बंदे को आपने मांग भी की है कि उपायुक्त का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हाँ, उपायुक्त का अगर ट्रांसफर होता है तो हम बड़ा आंदोलन। और बीते दिनों जो घटना होती है उपायुक्त के साथ में, उसको लेकर भी क्या बोले? उपायुक्त के साथ जो घटना है उसमें उन्होंने बताया है कि प्रतिनिधि से माफी मंगवाई जाएगी। आपका नाम? जी तू रघुवंशी राष्ट्रीय बंदे को माता।